तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं डॉक्टर उमेश आर्टिफिशियल इंसेप्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मुरादाबाद यूपी के अंदर है, और आज से लगभग एक साल पहले से हम लोग यहाँ की वीडियो वगैरह करते आए हैं। वहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भाई ट्रेनिंग लेना चाहता हो, अपना फार्म को अच्छे तरह से संभालना चाहता हो, एक सर्टिफिकेट लेना चाहता हो जिससे वो अपने एरिया में AI इंसेप्शन कर सके और सर्टिफिकेट के द्वारा, ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है अगर आप AI करते हैं अपने एरिया में। पूरी जानकारी यहाँ के लेंगे, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कितना दिन में सीख सकते हैं और क्या क्या सीखेंगे। आइए यहाँ के बच्चों से भी मिलवाऊंगा कि कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और क्या क्या सीख रहे हैं। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमित गोला है। मैं BBSC एंड MSc पंडनगर सर्जरी से पास आउट हूँ। ओके, कितने दिन से हैं यहाँ पे? जी मैं यहाँ 4 मंथ से हूँ। क्या क्या सिखा रहे हैं आज बच्चों को? जी इसमें अभी AI करना, सर्विस पकड़वाना, ये चीज़ हम सिखाते हैं। जनरली आज क्या है, आज इनका फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो उसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल में हम सर्विक्स पकड़ना इनको सिखाते हैं। सर्विक्स को पकड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे के ऑर्गन पे जाते हैं, जैसे यूट्रस है, यूट्रस दो यूट्रस होते हैं, यूट्राइन हॉर्न होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी ठहरती है। जी, तो जैसे कि आपने अभी मैं देखा हाथ डाल रहे थे, उसके बाद बच्चा भी हाथ डाल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या कोई और दूसरा तरीका नहीं है? नहीं, ये जानवरों के अंदर ये सबसे चीफ, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और सीमन का। सीमन डालने का नहीं, जैसे आपने उसमें हाथ डाला गाय में, जी डायरेक्टली अगर बच्चा को हाथ डालता है, आपने खुद डाला फिर बच्चों को पुला के पकड़िए, जी ऐसा करते हैं ना? अगर डायरेक्ट बोलिएगा पकड़ने तो नहीं पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण केंद्र के अंदर क्या होता है कि हम उनको सिखाते हैं, क्योंकि प्राइमरी पहली चीज, हम भी कोई सीखते हैं तो हम जानते हैं उस चीज के बारे में, तो इसलिए हमें पहले उसको बताना होता है, हमें खुद डालना, हमें खुद फील करके फिर उनका हाथ डलवा कर फिर हमको बताते हैं कि ये सर्विक्स है, इसको पकड़ो। ओके, थ्योरी में तो बताया जाता होगा कि सर्विस इस तरह का होता है, इस तरह से रहता है। थ्योरेटिकल जो होता है वो नॉलेज के लिए होता है, प्रैक्टिकल जो होता है वो काम के लिए होता है। राइट जी, पूरा टोटल कोर्स 3 महीने का है। आप प्रैक्टिकल कराने के टाइम सबसे पहले हाथ डालना सिखाएंगे, उसमें गन जी पास कराना सिखाएंगे? जी, प्रिकॉशन होती है कुछ जो हम उनको बताते हैं कि हाथ डालने से पहले हमें क्या क्या, नेल्स हमारे कटे होने चाहिए और स्लीव्स हमारे जो दस्ताने होते हैं वो अच्छे से पूरे प्रॉपर सैनिटाइज होने चाहिए, और फिर उसमें लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, वो अच्छे से लुब्रिकेंट जो होता है लिक्विड पैराफिन उसका यूज़ करना चाहिए। जनरली करते हैं साबुन सोप का यूज़, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें एनिमल को फिर इरीटेशन होती है। एक गाय में कितने बच्चों को हाथ डलवाते हैं? जी एक गाय में मिनिमम 2 बच्चों का, बस 2 ही बच्चे का? जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2, 4, 6, 1, 7, 1, 8 गाय टोटल है। जी, यानी एक दिन में 16 बच्चे का प्रैक्टिकल हो सकता जी, है? जी 16 बच्चे का प्रैक्टिकल हम कराते हैं। जी 20 भी करा देते हैं, 2 से 3 बच्चे हम लेते हैं क्योंकि जानवरों को परेशानी ना हो, इसलिए। अच्छा, इसी वजह से इतनी ज़्यादा गाय रखी गई है? जी हम इसी वजह से इतनी गाय रखते हैं क्योंकि ज़्यादा हाथ डालेंगे एक बार में तो उसको कोई इंटरनल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा शिकायत नहीं करता जिनको प्रैक्टिकल करा रहे हों, आप AI करना हो, सीख नहीं पा रहे हों? जी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, नहीं सीखता है तो उसमें फिर हम और उसको अच्छे से सिखाते हैं, उसको कुछ दिन रख कर भी सिखाया जाता है, फिर उसको एक्स्ट्रा भी सिखाते हैं। यहाँ से ऐसा कोई नहीं है कि कोई बिना सीखे जाए। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओके, तो आइए हम जानते हैं इन बच्चों से कि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से हैं भाई लोग आप लोग? बिलौरी यही है मुरादाबाद में, जिला लगता है? जिला मुरादाबाद। ओके, आपका भाई? जी हम जिला हरिद्वार से हैं। हरिद्वार जी। ओके, यानी उत्तराखंड। आपका? राहुल पल मुरादाबाद से। मुरादाबाद से हैं आप? पीछे सराय हजूर मुरादाबाद से। मुरादाबाद। आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जी। आप? प्रयागराज। प्रयागराज से। आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। आप? गाजीपुर। गाजीपुर। आप? मुरादाबाद जिला। आप? हम सर बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? कटिहार जिला। कटिहार। आप? रामपुर से। यूपी। आप? मुरादाबाद से। आप? वाराणसी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आज का पहला दिन प्रैक्टिकल है, आप तो कुछ समझ में नहीं आया होगा जैसा थ्योरी में पढ़े हैं, उसके बाद आज फर्स्ट डे प्रैक्टिकल है और आपने हाथ भी डाल रखा है, जो पढ़ाया गया उसके अनुसार इसके अंदर डालने के बाद क्या समझ में आ रहा है? कैसा मतलब सर्विस पकड़ लिया आपने? नहीं अभी नहीं पकड़ पा रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? जैसे आपने थ्योरी में तो बताया गया होगा ना, सर्विस इस तरह का होगा, ऐसे राउंड हाथ को इस तरह से लाएंगे, ऐसा भी बताते हैं ना शायद, तो आपने लाया, सर्विस किस टाइप का दिख रहा है? नॉर्मल है, हार्ड है, क्या है?
नहीं समझ में आ रहा है अभी, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल गोलाकार दिख रहा है, बिल्कुल गोलाकार दिख रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप, समझ में नहीं आ रहा तो डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? अभी बताएंगे आप क्या कहोगे, क्या भाई मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ या क्या करूँ डॉक्टर? नहीं पकड़ पा रहा हूँ, बोलिए। नहीं पकड़ पा रहा हूँ अभी सर, कैसे समझाएंगे आप इनको? जी अब मैं अपने इसको हैंड डालूंगा, फिर हाथ से डालेंगे। हाँ जी, मैं चाहूंगा कि सर वो प्रक्रिया करा जाए ताकि लोग जो अनुभव ले पाए वो भी सीख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, बिल्कुल मैंने भी इसमें हाथ डालकर एक्सपीरियंस लिया है अपनी गायों में, लेकिन फर्स्ट टाइम काफी दिक्कत होता है। ऐसे हाथ डाल के ऐसे खोलना, कुछ मिला जी? समझ में आ रहा है? हाँ। फिर से हाथ डाल के निकाल के फिर डाल के देखिए। एक चीज और बता दूं, इन्होंने ग्लव्स नहीं लगा रखा है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ग्लव्स लगाने के बाद थोड़ा फिसलता होगा, जिस फिसलता है फिसलन होती है, तो इससे फर्स्ट टाइम अगर बिना ग्लव्स के हम लगाते हैं तो एज ए सीखने में बहुत आसानी होती है, सीखने में आसानी होती है। तो इनका हैंड वॉश वगैरह करवा देते हैं पहले? प्रॉपर हैंड वॉशिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, प्रॉपर हाइजीनिक का प्रॉब्लम। ओके, ये क्या समझ में आया आपको? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आई। नहीं आई, आ जाएगी थोड़ा तो समस्या, आप पकड़ ले रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए सर पकड़ पाए हैं ये, सही पकड़ लिया, वाह वेरी गुड। तो आप भी पहले दिन हैं और वो भी पहले दिन है, चलिए लक की बात है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, थ्योरी में जो आपने पढ़ा है कुछ दिन, कैसा लग रहा है? किसी तरह का कोई क्या क्या सिखाया गया कि कैसे कर सकते हैं अपने लोकल में? आपको जाएंगे तो नया नया कस्टमर मिलेगा, बोलेगा डॉक्टर को बुझा भी नहीं करता है, तो क्या बोलिएगा? पहले तो किसान से हिस्ट्री ले लीजिए फसल के बारे में, कैसे कैसे हीट कर रहा है, कैसे कैसे मतलब रक्षण कर रहा है, उसके बाद हमें देखना है, चेक करके हीट में है या नहीं है, उसके बाद ही सीमेंट डालना है। ओके, पहले सीमेंट नहीं डालना, अगर हीट में किसान भी कहता है उसको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, वो किसान कहता है कि जानवर हीट में है, तब भी सीमेंट हमें नहीं डालना, पहले हमें चेक करना, उसके बाद ही डालना है। ओके, हो सकता है जानवर में मतलब प्रेगनेंसी हो, कभी कभी प्रेगनेंसी होने के बाद भी बस वो हीट में आ जाता है। आप हीट में तो नहीं आता, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लक्षण दिखाता है, दूसरे के ऊपर हक करता है, चढ़ता है प्रेग्नेंट गाय भी, तो इससे सावधान होने से पहले चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही सीमेंट डालना। और किसी को कुछ कहना है भाई? कुछ नहीं बोलिएगा, अच्छा लगा प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरिकल में जो पाया वो सबको अच्छा लगा, थ्योरिकल तो सबको अच्छा लगा, थ्योरी में पढ़ाया वो अच्छी तरह समझ में आया, थ्योरी में समझ में आया है, बाकी क्या जो भी है यहाँ पे दूर हो जाएगा। ओके थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। ओके तो दोस्तों लगभग जानकारी हमने यहाँ की ली है, कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।